Hello everyone, welcome back to my channel. So this is the part 2 of the chapter, The Last Truck Ride. तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए और अगर वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज इसे लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा एंड प्लीज वीडियो को पूरा अंत तक देखिए ताकि स्टोरी आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए. तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर. एज दे स्वंग अराउंड अ बेंड, नथु लुक्ड आउट ऑफ हिज विंडो. ऑल ही सॉ वाज द स्काई अबव एंड द वैली बिलो. They were very near the edge, but it was always like that on this narrow road. तो जैसे ही वो लोग एक मोड़ के चारों ओर घूमे तो नथु क्या करता है, वो विंडो से बाहर देखने लगता है. और उसे बाहर क्या दिखता है, बस विंडो से जब वो बाहर झांकता है तो बस उसे ऊपर आसमान दिखता है और नीचे वैली दिखती है, मतलब घाटी दिखती है. एंड दे वर वेरी नियर द एज, और उनका जो ट्रक था वो एज के मतलब किनार मतलब जो रोड था वो जो हिल रोड था वो काफी नैरो था, काफी पतला था और उनका जो ट्रक था वो काफी एज पे था, काफी किनारे पे था. बट इट वॉज ऑलवेज लाइक दैट ऑन दिस नैरो रोड. लेकिन ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ था, वो रोड ही इतना पतला था कि हमेशा इसी तरह से ऐसा हमेशा होता था. After a few more hairpin bends, the road started descending steeply to the valley. Hairpin bends means very sharp bends in mountain roads. मतलब पहाड़ी सड़कों पे जो मतलब बहुत ही शार्प बेंड्स होते हैं, बहुत ही शार्प मोड़ होते हैं, उसे हेयरपिन बेंड्स कहते हैं. तो कुछ हेयरपिन बेंड्स के बाद जो रोड है, जो माउंटेन रोड है, वो वैली की तरफ स्टीपली मतलब बहुत ही तेजी से और बहुत ही सीधी चढ़ाई में बहुत ही स्टीपली वैली की ओर डिसेंडिंग मतलब घटने लगी. जस्ट देन अ स्ट्रे म्यूल अपीयर्ड इन द मिडल ऑफ द रोड. प्रीतम स्वंग द स्टीयरिंग व्हील टू हिज राइट, बट द रोड टर्न्ड लेफ्ट एंड द ट्रक वेंट स्ट्रेट ओवर द एज. स्ट्रे म्यूल का मतलब होता है आवारा खच्चर. तो ठीक उसी समय सड़क के बिल्कुल बीचों बीच में एक स्ट्रे म्यूल आ जाता है और जिसकी वजह से प्रीतम जो है वो अपनी जो ट्रक की स्टेयरिंग है उससे राइट साइड मतलब दाएं की ओर घुमाता है, लेकिन जो रोड है, जो माउंटेन रोड है, वो लेफ्ट की तरफ टर्न हो जाती है और जिसकी वजह से ट्रक जो है वो बिल्कुल सीधे बिल्कुल स्ट्रेट किनारे पर चला जाता है. द ट्रक टिप्ड ओवर हैंगिंग फॉर अ फ्यू सेकेंड्स ऑन द एज ऑफ द क्लिफ, देन इट पिच्ड फॉरवर्ड एंड एज इट स्ट्रक अ रॉकी आउटक्रॉप द डोर नियर नथु बस्ट ओपन, ही वाज थ्रोन आउट. तो ट्रक जो है वो पूरा पलट जाता है, ट्रक टिप्ड ओवर वो पूरा पलट जाता है और एक चट्टान यानी कि क्लिफ, क्लिफ का मतलब होता है चट्टान, और एक चट्टान के एज पे जाकर उसके किनारे पे जाकर लटक जाता है फॉर अ फ्यू सेकेंड्स, कुछ सेकेंड्स के लिए. देन इट पिच्ड फॉरवर्ड. पिच्ड मीन्स फेल हेवली इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, मतलब किसी एक डायरेक्शन में बहुत ही तेजी से गिरना, उसे पिच्ड कहते हैं. आउटक्रॉप मीन्स अ लार्ज मास ऑफ रॉक दैट स्टैंड्स अबव द सर्फेस ऑफ द ग्राउंड. ग्राउंड सर्फेस मतलब जमीन की जो सतह है उसके ऊपर जो पत्थर का पहाड़ होता है उसे आउटक्रॉप कहते हैं. कुछ सेकेंड्स के बाद ट्रक जो है वो आगे की तरफ बहुत ही तेजी से गिरने लगता है और जैसे ही ट्रक एक आउटक्रॉप से जाकर टकराता है, स्ट्रक होता है, तो नथु के साइड का जो डोर होता है ट्रक का वो बहुत ही जोर से खुल जाता है और नथु जो है वो ट्रक से बाहर फिका जाता है. द ट्रक हर्टल्ड फॉरवर्ड बाउंसिंग ओवर द रॉक्स, टर्निंग ओवर ऑन इट्स साइड एंड रोलिंग ओवर ट्वाइस बिफोर कमिंग टू रेस्ट अगेंस्ट द ट्रंक ऑफ अ स्क्रैगी ओल्ड ओक ट्री. हर्टल्ड का मतलब होता है जोर से फेंकना. तो जैसे ही ट्रक उस आउटक्रॉप से टकराता है तो ट्रक जो है वो आगे की तरफ फिका जाता है और रॉक्स के ऊपर पूरा बाउंस करने लगता है. ट्रक वॉज टर्निंग ओवर ऑन इट्स साइड एंड रोलिंग मतलब ट्रक पूरा पलटी खाने लगता है, पूरा पलट जाता है और पूरा रोल करने लगता है और दो तीन बार पूरा रोल करने लगता है. उसके बाद वो ट्रक एक ओल्ड स्क्रैगी, एक स्क्रैगी से ओल्ड ओक ट्री के ट्रंक से टकराता है और जाकर रुक जाता है. Had it missed the tree, the truck would have plunked a few hundred feet down to the bottom of the gorge. Plunked means moved downwards suddenly, मतलब अचानक से नीचे की ओर मूव करना. And gorge means a deep narrow valley with steep sides. तो सीधी ढाल वाली बहुत ही पतली सी बहुत ही गहरी जो वैली होती है उसे, जो घाटी होती है उसे गॉर्ज कहते हैं. तो जैसे ही ट्रक ओल्ड ओक ट्री के ट्रंक से जाके टकराता है वो क्या करता है, रुक जाता है, वो उस ट्री के सहारे रुक जाता है. तो अगर ट्रक ओक ट्री के ट्रंक से टकराकर नहीं रुकता तो वो उस 100 फीट डाउन वैली में गिर जाता, उस खाई में गिर जाता. नथु हैड लैंडेड ऑन अ बेड ऑफ नेटल्स, ही वॉज स्मार्टिंग ऑल ओवर बट ही वॉजंट रियली हर्ट. ही स्किडेड डाउन द स्टीप स्लोप
calling out, "Pritam, Pritam, are you alright?" There was no answer. Nettles means wild plants with leaves that have pointed edges that stink when touched. Matlab, nettles means jo wild plants hote hain, matlab jungly plants jo hote hain, jinke leaves jo hote hain, wo bahut hi zyada kinaron par pointed hote hain aur chhune par wo chubte hain, usse nettles kehte hain. And smarting means feeling a sharp stinging pain, matlab ek chubhan wali jo pain hoti hai, usse smarting kehte hain. To jaise hi Nathu truck se थ्रोन आउट होता है तो वो उस नेटल्स पे जाकर गिरता है और उस नेटल्स पर गिरने की वजह से उसे मतलब पूरे बॉडी में काफी मतलब वो जो उसके लीव्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा चुभते हैं, उसे बहुत ही पेन होता है, बहुत ही शार्प पेन होता है, लेकिन ही वॉजेंट रियली हर्ट, लेकिन उसे ज्यादा चोट नहीं आती. स्किडिट का मतलब होता है फिसलना. तो नथु जो है वो उस स्टीप स्लोप मतलब खड़े ढलान में फिसलने लगा और वो चिल्लाने लगा, "प्रीतम, प्रीतम, आर यू ऑल राइट?" क्योंकि उसे इस बात की फिक्र थी कि प्रीतम ठीक तो है, कहीं उसे कुछ हुआ तो नहीं है, लेकिन प्रीतम की तरफ से कोई भी आंसर, कोई भी जवाब नहीं आता है. Then he saw Pritam's arm and half his body jutting out of the open door of the truck. When Nathu came nearer, he saw Pritam was jammed in the driver's seat, held there by the steering wheel which was pressed hard against his chest. Nathu thought he was dead. Pritam opened one blackened, swollen eye and looked straight up at Nathu. Jutting का मतलब होता है बाहर निकला हुआ. तो नथु क्या देखता है कि प्रीतम का जो आर्म है, उसका जो हाथ है और उसकी हाफ बॉडी जो है वो ट्रक के डोर से बाहर निकली हुई है. मतलब ट्रक का जो डोर है वो खुला हुआ है और उसका जो आर्म है और उसकी हाफ बॉडी वो बाहर ट्रक से बाहर निकली हुई है. तो जब नथु उसके नजदीक जाता है तो वो क्या देखता है कि प्रीतम जो है वो ड्राइवर सीट पे जैम के मतलब फंस चुका है. मतलब ड्राइवर, क्योंकि प्रीतम ड्राइविंग कर रहा था तो वो देखता है कि प्रीतम ड्राइवर सीट पे बिल्कुल फंस गया है, बिल्कुल जैम हो गया है. हेल्ड देयर बाय द स्टीयरिंग व्हील व्हिच वाज प्रेस्ड हार्ड अगेंस्ट हिज चेस्ट. और जो स्टीयरिंग व्हील है वो प्रीतम के चेस्ट पर प्रेस हुई हुई है काफी हार्ड. नथु थॉट ही वाज डेड. तो तभी नथु सोचता है कि लगता है कि प्रीतम जो है वो मर गया है, लेकिन प्रीतम अपनी एक आंख खोलता है. जो उसकी आंख है वो काफी बिल्कुल ब्लैक हो जाती है, बहुत ही फूल जाती है. तो वो अपनी आंख को खोलता है और सीधा नथु को देखता है. "आर यू अलाइव?" व्हिस्पर्ड नथु टेरिफाइड. तो नथु बहुत ही डर के पूछता है प्रीतम से कि क्या तुम जिंदा हो. "व्हाट डू यू थिंक?" मटर्ड प्रीतम. ही क्लोज्ड हिज आईज अगेन. मर्टेड मतलब होता है मतलब काफी बहुत ही धीमी आवाज से प्रीतम क्या कहता है कि तुम्हें क्या लगता है. मतलब वो उसे पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं मर गया. उसके बाद प्रीतम जो है वो अपनी आंख दोबारा से बंद कर लेता है. प्रीतम सिंह हैड अ ब्रोकन कॉलर बोन, अ डिसलोकेटेड शोल्डर एंड सेवरल फ्रैक्चर्ड रिब्स. तो इस पूरी एक्सीडेंट में, प्रीतम का जो कॉलर बोन है वो टूट जाता है, उसका जो शोल्डर है वो डिसलोकेट हो जाता है मतलब अपनी जगह से हट जाता है, और उसके रिब्स में मतलब उसकी पसलियों में बहुत सारे फ्रैक्चर्स आ जाते हैं, मतलब उसकी पसलियां जो है वो टूट जाती हैं. बट द डॉक्टर सेड ही वुड सर्वाइव व्हिच वाज मोर देन व्हाट कुड बी सेड फॉर दिस ट्रक. लेकिन डॉक्टर जो है, जब प्रीतम डॉक्टर से जाकर ट्रीटमेंट करवाता है तो डॉक्टर उसे कहता है कि नहीं, वो अभी भी उसके सर्वाइव करने के चांसेस है, वो जिंदा रह सकता है, मतलब वो बच सकता है. विच वॉज मोर देन वॉट कुड बी सेट फॉर इस ट्रक, जो कि उसके ट्रक के लिए जो कहा जा सकता था उससे बहुत ज्यादा था. और ऐसा इसलिए था क्योंकि प्रीतम का जो ट्रक था वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया था, पूरी तरह से फिनिश हो गया था. द ट्रक फिनिश्ड, सेट प्रीतम व्हेन नथु वेंट टू सी हिम अ फ्यू डेज लेटर. तो जब कुछ दिनों के बाद नथु जाता है प्रीतम से मिलने के लिए कि आखिर उसकी तबीयत कैसी है, तो वो नथु को बताता है कि ट्रक जो है वो फिनिश हो चुका है, बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो चुका है. नाउ आई विल गो होम एंड लिव विद माई सन्स, बट यू कैन गेट वर्क ऑन अनदर ट्रक. तो वो नथु को कहता है प्रीतम कि जैसे कि अब ऐसा है कि ट्रक तो फिनिश हो गया, ट्रक बिल्कुल खत्म हो गया है, तो अब मैं अपने घर जाऊंगा और अपने बच्चों के साथ, अपने बेटों के साथ रहूंगा. बट यू कैन गेट वर्क ऑन अनदर ट्रक, लेकिन तुम्हें किसी दूसरे ट्रक में काम मिल सकता है, तुम किसी दूसरे ट्रक में काम कर सकते हो. नो, सेड नथु, आई एम गोइंग होम टू. लेकिन नथु कहता है कि नहीं, मैं भी अपने घर जा रहा हूँ. एंड व्हाट विल यू डू देयर? तो प्रीतम उसे पूछता है कि तुम क्या करोगे अपने घर जाकर. आई विल वर्क ऑन द लैंड, इट्स बेटर टू ग्रो थिंग्स ऑन द लैंड देन टू ब्लास्ट थिंग्स आउट ऑफ इट. तो नथु जवाब देते हुए कहता है प्रीतम को कि मैं अपने घर जाऊंगा और मैं वहां जो जमीन है जो उसपे खेती करूंगा और मैं उसपे चीजें उगाऊंगा, क्योंकि जमीन पर चीजें उगाना ज्यादा बेहतर है जमीन को ब्लास्ट करके उनसे चीजें निकालने से. दे वर साइलेंट फॉर सम टाइम. और इसके बाद दोनों थोड़ी देर के लिए बिल्कुल शांत हो जाते हैं. डू यू नो समथिंग, सेड प्रीतम फाइनली. उसके बाद प्रीतम कहता है कि क्या तुम्हें एक बात पता है. बट फॉर दैट ट्री द ट्रक वुड हैव एंडेड अप एट द बॉटम ऑफ द हिल एंड आई वुडंट बी हियर
all bandaged up and talking to you. तो प्रीतम नथु से कहता है कि अगर वहां पे वो ट्री नहीं होती तो ट्रक जो है वो सीधे घाटी में नीचे गिर जाता और मैं यहाँ इस हालत में, मतलब बैंडेज लगाए हुए, मैं यहाँ इस हालत में तुमसे बात नहीं कर रहा होता. इट वॉज द ट्री दैट सेव्ड मी, रिमेम्बर दैट बॉय. तो प्रीतम कहता है कि ये वो ट्री ही था जिसकी वजह से मैं आज सेव हूं, मैं बच गया हूँ. मतलब इनडायरेक्टली जो ट्री है उसने ही मुझे बचाया है और इस बात को तुम हमेशा याद रखना. आई विल रिमेम्बर, सेड नथु. तो नथु प्रीतम को आंसर देते हुए कहता है कि मैं इसे हमेशा याद रखूंगा. सो दैट्स ऑल, होप आपको स्टोरी समझ में आ गई होगी. अगर आपको अभी कुछ डाउट्स है तो प्लीज वॉच द वीडियो वन मोर टाइम, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन. विल मीट इन अवर नेक्स्ट वीडियो वेरी सून. टिल देन बाय.